नमस्कार साथियों, मैं मेवाड़ के इतिहास पर एक बार प्रकाश डालना चाहता हूँ कि किस प्रकार मेरा मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास रहा है। तो पन्ना का त्याग कविता के माध्यम से मैं पन्ना का जो त्याग है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें पन्नाधारी ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर किस प्रकार उदय सिंह की रक्षा की थी और मेवाड़ की जो जोत है उसको अखंड बनाए रखा, मेवाड़ का जो वश द्वीप है उसको बचाए रखा। तो इस कविता के माध्यम से मैं मेवाड़ के गौरवशाली और त्यागपूर्ण इतिहास को दोहराना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से। तलवार उठाकर हाथों में आंखों में ले गुनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में था जाने क्या होने वाला। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का कापरा महलों की कपटी माया में, महलों की कपटी माया में। देखा पन्ना ने एक नजर, देखा पन्ना ने एक नजर, चंदन जैसा ही उदय लगा। बादल में बिजली कोंद गई, था एक विचित्र विचार जगा। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मही की उदय ज्योत अविरल जलती रह सकती है, अविरल जलती रह सकती है। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा, था रोम रोम से ज्वार उठा। बहते थे आंसू आंसू आंखों से लगातार, माँ का ममतत्व चित्कार उठा, माँ का ममतत्व चित्कार उठा। पर्वतसी अविचल पन्ना ने, पर्वतसी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, चंदन के वस्त्र बदल डाले। मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले, सारे नक्षत्र बदल डाले। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था। पाषाण बन गई थी ममता। चंदन सपनों में खोया था। पत्तल दोनों के बीच छिपा मेलों से कीरत बारी निकला था। उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में। इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। पन्ना सेमी सी खड़ी रही। कंपित कर से संकेत किया एक मृगी ने छोने को। सिंह के हाथों सौंप दिया। तत्काल लपक तलवार उठी, सोनित से रंगा बिछोना था। मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था। धरती अंबर थे काप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का ये पन्ना। इस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ये थी पन्ना का त्याग कविता। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।